हैं। ओके थैंक यू सर। मोस्टली भी लोग आ गए, 17-18 लोग हो गए। यस ओके। तो इसमें हमें ये याद रखना है कि ये तीन तरह के होते हैं जो फाइल्स होते हैं। अभी हमने बाहर वाला देखा, फिर होता है ये मलाशय के अंदर होता है जो सेकंड है, आंतरिक फाइल्स। इनको आपको पता नहीं चलता है, देख के देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, कभी कभी असुविधा का कारण बन जाते हैं। क्योंकि जब आपको पेट साफ करना रहता है तो उस टाइम तनाव, जलन या भी हो सकता है इसमें। तीसरा होता है थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस। इसमें क्या होता है कि एक थक्का सा बन जाता है जिसे थ्रोम्बस बोला जाता है। ये काफी दर्द भरा हुआ होता है। ये दर्द दो आमतौर पे 2-3 दिन में कम हो जाता है। सूजन कम होने से कुछ सप्ताह लग जाते हैं। ज्यादा दर्द होने से सूजन, और गुदा के पास एक सख्त गांठ भी बन जाती है। ज्यादा करके इसका कारण क्या क्या होता है? या तो मोटापा यानी ओबेसिटी, कम फाइबर वाला आहार जिसमें ज्यादा अपना फाइबर नहीं होता है, अधिक मिर्च मसाले वाला भोजन, और या फिर कंटिन्यू कब्ज, कॉन्स्टिपेशन रहना। सटकर्मी इसमें क्या क्या होगा? अग्निसार, जलबस्ती, कपालभाति, चक्रीकर्म ज्यादा यूजफुल है, और मूल शोधन, प्राणायाम में विलोम और ओंकार प्राणायाम, आसन में सर्वांगासन, पवन मुक्त आसन, बालासन, वज्रासन, मत्स्यासन, और बंद और मुद्रा में मूल बंद, विपर्णिमा और अश्विन मुद्रा। अश्विन मुद्रा एक कभी कभी कुछ कुछ लोगों का जो एनस या इसका जो लास्ट का भाग होता है वो भी बाहर निकलता है, लूज हो जाता है, उनके लिए भी अश्विन मुद्रा बहुत यूजफुल होती है। उधर आसपास की जो मसल होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। नेक्स्ट आता है मस्कुलर डिसऑर्डर, मांसपेशी के काली कार जो है, यदि 12 हफ्ते कम है तो एक्यूट कहलाएगा, और 12 हफ्ते से ज्यादा है तो क्रॉनिक कहलाएगा। याद रखें, छोटा सा पॉइंट है, कभी कभी एग्जाम में इस तरह का भी पूछ लिया जाता है। कम है 12 हफ्ते से तो एक्यूट, और ज्यादा है तो क्रॉनिक।